हेलो गाइस, वेलकम टू डे 4। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि 1 अप्रैल को आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ एंड आईबीपीएस पीओ का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो अभी बच्चों का मन में ये चल रहा है कि सर आईबीपीएस क्लर्क का फाइनल जो वैकेंसीज होगा वो कितना इंक्रीज हो सकता है, 1 अप्रैल को कितना ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकता है, उसके साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आज इसी के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर फटाफट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 2022 का इस साल का अगर मैं कट ऑफ एंड वैकेंसीज के बारे में बोलूं, उससे पहले हमें 2021 का जो डाटा था उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आप चीजों को समझ पाओ। 2021 का अगर मैं बात करूं, 2021 में नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी आया था वो था 5,830, ठीक है। उसके बाद वो रिवाइज होके 7,858 हो गया था, लेकिन जब 1 अप्रैल को जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस टाइम में पता चला कि जो वैकेंसी है वो बढ़ के 12,000 प्लस हो गया, जो सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, बिकॉज इतना ज्यादा बढ़ेगा कोई भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ठीक है। अगर मैं इस बार का बात बोलूं, इस बार का जो वैकेंसीज है नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज है वो है 6,035, लेकिन अभी तक ये आरटीआई थ्रू आरटीआई हमें पता लगा कि नियरली जो वैकेंसी 8,000 जैसे हो गया है, ठीक है। अभी अगर मैं इस साल का 1 अप्रैल में एक्सपेक्ट करूं कितना वैकेंसीज हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं 12,000 प्लस वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों में से बहुत बच्चे ये पूछेंगे सर सोर्सेस क्या है, सोर्सेस बताइए आप कैसे बोल सकते हो कि 12,000 जैसा वैकेंसीज जाएगा। देखिए इस टाइम में भी जब 12,000 वैकेंसीज आया था उस टाइम में भी किसी के पास प्रॉपर सोर्सेस नहीं था। ये जो भी एजुकेटर लोग बोले थे कि ये वैकेंसीज 12,000 प्लस जाएंगे या 12,000 तक देखने को मिल सकता है, वो जस्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में उनका सोर्सेस होता है, उनसे डिस्कशन करने के बाद ही उन लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि नियर बाई 12,000 वैकेंसीज जाएगा, एंड लास्ट टाइम उसी हिसाब से 12,000 गया भी था, ठीक है। तो इस बार भी कहीं ना कहीं अब जो डिस्कशन करने के बाद पता चल रहा है कि 12,000 वैकेंसी देखने को मिल सकता है, तो आपको इसी तरह कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा कि हाँ 12,000 ही जाएगा या 13,000 जाएगा, ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगा। जस्ट एक एक्सपीरियंस का बेसिस पे, एक डिस्कशन का बेसिस पे ही डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ये इतना मिल सकता है, इतना वैकेंसी आने का चांसेस है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो 12,000 इस बार मिलने का चांसेस है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कट ऑफ का बात बोलूं 2021 का, ठीक है, अगर मैं जनरल का कट ऑफ बोलूं, जनरल का जो कट ऑफ था मैक्सिमम था 40, एक स्टेट का था, एक या दो स्टेट का मैक्सिमम 40 कट ऑफ था। अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ का बात करूं, मैक्सिमम जो कट ऑफ था 32 to 38, 39 के बीच में ही था, तो इसी का रेंज में ही था, 35 + 3 - 3। अगर मैं ईडब्ल्यूएस का बात बोलूं जो मैक्सिमम कट ऑफ था वो था 39, ठीक है। तो इसमें जो रेंज था 33 + 3 - 3, इसी रेंज में ही मैक्सिमम कट ऑफ था, ठीक है। अगर मैं ओबीसी का बात बोलूं, मैक्सिमम जो कट ऑफ था वो था 38, ठीक है, एंड रेंज 32 + 3 - 3, इसी रेंज में मैक्सिमम कट ऑफ देखा गया, ठीक है। अभी आप लोगों में से बहुत बच्चे ये बोलेंगे सर कुछ कुछ स्टेट का कट ऑफ तो बहुत कम थी था। हाँ, कुछ कुछ स्टेट का ही था, कुछ कुछ स्टेट का जहाँ पे कंपटीशन लेवल उतना ज्यादा नहीं है, वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा लो है, एंड वहां से मैक्सिमम बच्चे अप्लाई भी नहीं करते, वैसे स्टेट का ही कट ऑफ थोड़ा लो देखने को मिला है, ठीक है। मान लीजिए एक नॉर्मल स्टेट जहाँ पे कंपटीशन हर टाइम में देखने को मिलता है, उसी स्टेट का कट ऑफ को मैं कंसिडर किया हूँ, ठीक है। अभी देखिए एसटी का अगर मैं बात बोलूं तो एसटी का जो मैक्सिमम कट ऑफ था लास्ट ईयर वो था 27, ठीक है। अगर मैं रेंज बोलूं तो 26 + 3 - 3, इसी रेंज में ही हर कट ऑफ देखा गया है। अगर मैं एससी का बात बोलूं 28 + 3 - 3, ठीक है, मैक्सिमम जो कट ऑफ था वो 31। अगर मैं इस बार का 2022 का अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बात करता हूं, वैकेंसी अगर इसी रेंज में देखने को मिलता है, तो मेरे हिसाब से इस बार की कट ऑफ जो होगा इसी रेंज में ही होगा। तो अभी डिफरेंस कहां पे आएगा, देखिए अभी डिफरेंस कहां पे आएगा, मान लीजिए लास्ट ईयर एक स्टेट का कट ऑफ था 35, ठीक है, एंड वहां पे वैकेंसी था 250, एंड इस बार वही सेम स्टेट का जो वैकेंसी है वो 300 हो गया, तो इन दैट केस आप लोगों का कट ऑफ क्या होगा, थोड़ा सा मान लीजिए 34 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट का वैकेंसी, थोड़ा अप्स एंड डाउन तो हर स्टेट में देखने को मिलता है। अगर वैकेंसी उतना डिफरेंस नहीं है मान लीजिए, तो उतना डिफरेंस में कट ऑफ का वेरिएशन उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 60, 100, 200 इतना वेरिएशन देखने को मिल रहा है, इन दैट केस आप लोगों का क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट। आई थिंक आप लोगों को टोटली समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कट ऑफ के बारे में, ठीक है। आई होप मैंने आप लोगों को जो बोला है कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज के बारे में इन आईबीपीएस क्लर्क, आप लोगों को पसंद आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया एंड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।